कुहाने में गुंडागर्दी बड़ी चरम सीमा पर है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसका आपको नजर आता है? ये कांग्रेस से करवाओ थे जी, और कौन करा था गुंडा? कांग्रेस गुंडागर्दी करवा, और वो करा दे जी बीजेपी का ग्राफ गिर जाओ, लेकिन गिरा नहीं ग्राफ बीजेपी का। अब की बार गरीब घर का बेटा हर किसान का वो बनाएगा मुख्यमंत्री नायब सैनी, और उधर डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेगा जी गुआने दे 25,000 वोटा दे, पूरे हरियाणा में 60-65 सीट निकलेगी बीजेपी की। ये गुंडागर्दी तो खुद करा देना कांग्रेस वाले, अगर इनका ग्राफ गिर जाए, ग्राफ नहीं गिरा दानू, बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। अरे के बार तो नायब सैनी बे गवा 8 तारीख पीछे मैं अकड़ी लाने जाना चढ़ू, बढ़िया तेल ला देंगे। जो तो 56 दिन मिले तो 56 दिन में इतना काम कर गया, तो इन्होंने बोला 5 साल में कितना काम करेगा, वो चमका देगा हरियाणा ने कति। अच्छा, उन्हें बेरा गरीब भी उठ कर वो है ना गरीब घर का, उन्हें बेरा के समस्या हुआ हरियाणा में, सरकार आओगी बढ़िया बीजेपी की भी कह। वो तो कह रहे कि 36 जातों पर एकदम से हमारी ही पकड़ है, सरकार हमारी ही बन रही है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कौन कहवा जी? हुड्डा साहब कह रहे हैं ना इनके बुकायदा को नहीं आवा बुका, मैंने बतरे बुका लिए सारी उम्र हो गए बुकाए बुकांदा ने, इनका बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ मोदी जी की सरकार की और नायब सैनी जी की सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो गरीब तबके के व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिल पा रहा है? गरीब का गरीब बच्चे लग लाग रहे बिना खर्चे बिना पीछे दिए, ना तो गरीब का कदे नंबर ही नहीं पड़ा था बेचारे का, अभी ये लाग जो 10-15 लाख रुपये बटोली बंद कर जाओ जोड़े में गल गए। भैया अभी एकता हमें मिले थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में ऊपर से खर्ची पर्ची चलती थी, बीजेपी सरकार में नीचे से चलती है। ना ना बीजेपी में कोई नहीं चलती कति, आप बस किसे बुझ लो कति गरीब घर का लाग गया। कांग्रेस ये कहा ये और तो कि मैं पंदा नहीं, इन और कुछ नहीं पंदा, इन नुए पावा है कोई कमजोरी पा नहीं रही बीजेपी की। जिब्बे तो आवे ना पूरे हरियाणा में सरकार बने ना बढ़िया सरकार बनेगी, और डॉक्टर रविंद्र शर्मा 25,000 वोट जीता गुआने लगे एक तरफ हो रहा कति सारा।